ये जो हालात बहुत क्रिटिकल, अभी भी डॉक्टर कह रहे हमने ऑपरेशन तो कर दिया पर स्थिति क्रिटिकल है। और जिस प्रकार की घटना, पूरा घटनाक्रम हुआ है, पहले रेप की घटना हुई, फिर उसको जेल भेज दिया गया, फिर 2 महीने के अंदर जमानत हो गई। 2 महीने जमानत भी किन परिस्थिति में मुझे पता नहीं, पर हो गई। उसके बाद जब धमकी मिली तो उसने और रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद में आखिर के अंदर ये घटना हुई। जिस प्रकार वार किए गए, जिस प्रकार फायरिंग भी की गई, ऐसा कम होता है कि आप फायरिंग भी करो और कोई 2-3 लोग साथ जाए मर्डर करने के लिए। और जिस प्रकार मारा गया उसको पूरी तरह से, वो बहुत ही हल्ले बजा रखे। तो अभी तो हमने डॉक्टर से कहा भाई आप इसकी लाइफ बचाओ, उसके लिए क्या कर सकते हो, ऑपरेशन किया है, पूरी मॉनिटरिंग करो क्या तकलीफ आ रही है, जान बच जाए मुख्य बात ये। दूसरा हमने बात की एसपी से भी और आईजी से भी, जो कोई एएसआई को सस्पेंड किया वो नाकाफी है। पूरी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में किसकी लेवल पर कमी रही है, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर एक, ये नौबत आती नहीं, अगर टाइमली उसको सुरक्षा मिल जाती तो नौबत नहीं आती। इतना शिफरा आदमी था जिसने मतलब इस प्रकार से अपने दोस्तों को ले जा करके फायरिंग भी कर रही और खुद ने भी उसने चाकू से या जो वार किए, जिस रूप में कितने वार किए, ये बड़ी दुखद बात है। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा सरकार को भी, कृपा करके पिछले चुनाव में क्या आरोप लगाए हमारे ऊपर, रेप हो रहे हैं, जबकि हमने थाने में भी कंप्लेंट कर रखी थी अपने यहाँ। और तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ स्थिति अच्छी थी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, रेप के मामले हो, डकैती हो, कोई घटना हो, पर फिर भी चुनाव को लेकर टारगेट बना के राजस्थान को जिस रूप में बदनाम किया गया वो गलत था। अब आप देखिए 2-2.5 महीने हुए सरकार बने हुए, 2-2.5 महीने में जो खबरें आ रही है राजस्थान से, तो जब हमारे ऊपर आरोप लगे हैं उनको हमने बर्दाश्त कर लिया, सरकार चली गई, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है। तो नई सरकार के लिए तो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो आरोप हमने लगाए पिछली सरकार पर, वैसी घटना रेप की, डकैती की, गुंडागिरी की नहीं हो, ये नई सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। दुख बात इस बात का है कि रोज की घटनाएं बहुत ही हीनिस हो रही है राजस्थान भर के अंदर, उसके नमूना ये भी है। बयान करने के बाद में कुछ नहीं किया, मैंने आईजी साहब को कहा है कि आप जांच करो ढंग से, जो लोगों ने कमी रखी है उनके खिलाफ सजा हो। कल ये ऐसे ही को आप अगर नाम मात्र कर दिया आपने सस्पेंड, से क्या फायदा। मैंने सुना भी मंत्री जी आए थे यहाँ मिलने के लिए, अच्छी बात है। और इनको क्या इमदाद मिल सकती है, सरकार को डॉक्टर से बात करनी चाहिए, कहीं इसका इलाज इंस्टीट्यूट कहीं बाहर है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, उसको भी प्रूव करना चाहिए तो क्या जो ऑपरेशन हुआ है, जो इलाज हो रहा है वो सफिशिएंट है या कोई कमी है, या यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं। हो सकता है यहाँ के डॉक्टर खुद भी कहे कि भाई हमने तो ये सब कुछ किया है पर इसकी एक्सपर्टाइज दिल्ली के अंदर, इसकी एक्सपर्टाइज बॉम्बे के अंदर, मान लीजिए, मैं तो नहीं समझ सकता। तो वो भी प्रूव करना चाहिए सरकार को, सरकार को आगे आना चाहिए, तब जाकर के इसकी जान बच पाएगी, मेरा मानना। सर गहलोत जी, 2 दिन पहले जो है वो गलत ब्लड चढ़ने से युवक की मौत हो गई, लेकिन परिजन की अब तक जो है वो सुनवाई नहीं। यही किस्सा है, दूसरा किस्सा है, सचिन शर्मा का हुआ था 2 दिन में, सचिन शर्मा का हुआ था गलत ब्लड चला दिया। एसएनएस में उसको डेथ हो गई, दोनों सचिन शर्मा नाम, सचिन नाम था।
सचिन नौजवान गलत ब्लड चढ़ा दिया। मैंने मीडियम देखा था उसको, क्योंकि वो घटना बहुत दुखद है। जान चली गई उसका, उसके बाद में क्या? अगर लापरवाही से जान गई तो क्या कार्रवाई की आपने? ये तो कोई माफ़ी होगी, कार्रवाई तो हो नहीं सकती। लापरवाही से ब्लड चढ़ गया, जान चली गई, तो सरकार की तरफ क्या रेस्पॉन्स है? क्या उनके परिवार का ध्यान रखा जा रहा है? कुछ मुआवजा दिया उनको, परिवार वालों को? सर परिवार का एक ही बच्चा था 20 साल। जो कुछ भी कह, तो बहुत दुखद बात है। एक बच्चा था वो चला गया, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? तो ऐसी घटनाएं होती जा रही है, तो दुखद बात है कि उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? घटना दुर्घटना देश भर में होती है, प्रदेश में होती है, पर राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा हमेशा से। हमारे वक्त में कोशिश की गई ऐसी घटनाएं कम से कम हो, पर चुनाव के माहौल में जो बोला गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी। मैं तो अब सरकार वर्तमान को कहना चाहूँगा, आप कम से कम आपकी प्रायोरिटी हो, कानून व्यवस्था की प्रायोरिटी हो। ये जो खाली अखबार के आंकड़े आते हैं, 1000 लोगों में अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने, वो खाली आंकड़े हैं। हकीकत में क्या है उनके नमूने आपके सामने, हकीकत में जो हो रहा है वो आपके सामने। हर जिले से कौन कोई खबर आएगी मीडिया के अंदर, हर रोज कोई न कोई जिले की घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं खबर आएगी। उनके खिलाफ सजा हो, खाली ये ऐसे ही को आप अगर नाम मात्र कर दिया आपने, सस्पेंड से क्या फायदा? मैंने सुना भी मंत्री जी आए थे यहाँ मिलने के लिए, अच्छी बात है। और इनको क्या इमदाद मिल सकती है? सरकार को डॉक्टर से बात करनी चाहिए, कहीं इसका इलाज इंस्टीट्यूट के बाहर है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, उसको भी प्रूव करना चाहिए। तो क्या जो ऑपरेशन हुआ है, जो इलाज हो रहा है, वो सफिशिएंट है या कोई कमी है, या यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं? हो सकता है यहाँ के डॉक्टर खुद भी कहे कि भाई हमने तो ये सब कुछ किया है, पर इसकी एक्सपर्टाइज दिल्ली के अंदर, इसकी एक्सपर्टाइज बॉम्बे के अंदर, मान लीजिए, मैं तो नहीं समझ सकता। तो वो भी प्रूव करना चाहिए सरकार को आगे आना चाहिए, तब जाकर के इसकी जान बच पाएगी, मेरा मानना। सर गहलोत जी, 2 दिन पहले जो है वो गलत ब्लड चढ़ने से युवक की मौत हो गई, लेकिन परिजन की अब तक जो है वो सुनवाई नहीं। यही किस्सा है, दूसरा किस्सा है। सचिन शर्मा का हुआ था 2 दिन पहले, सचिन शर्मा का हुआ था गलत ब्लड चढ़ा, SNS में उसको डेथ हो गई, हाँ उसकी डेथ हो गई। दोनों सचिन शर्मा नाम, सचिन नाम था, सचिन नौजवान गलत ब्लड चढ़ा दिया। मैंने मीडियम देखा था उसको, क्योंकि वो घटना बहुत दुखद है। जान चली गई उसका, उसके बाद में क्या? अगर लापरवाही से जान गई तो क्या कार्रवाई की आपने? ये तो कोई माफ़ी होगी, कार्रवाई तो हो नहीं सकती। लापरवाही से ब्लड चढ़ गया, जान चली गई, तो सरकार की तरफ क्या रेस्पॉन्स है? क्या उनके परिवार का ध्यान रखा जा रहा है? कुछ मुआवजा दिया उनको, परिवार वालों को? सर परिवार का एक ही बच्चा था 20 साल। जो कुछ भी कह, तो बहुत दुखद बात है। एक बच्चा था वो चला गया, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? तो ऐसी घटनाएं होती जा रही है, तो दुखद बात है कि उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? घटना दुर्घटना देश भर में होती है, प्रदेश में होती है, पर राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा हमेशा से। हमारे वक्त में कोशिश की गई ऐसी घटनाएं कम से कम हो, पर चुनाव के माहौल में जो बोला गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी। मैं तो अब सरकार वर्तमान को कहना चाहूँगा, आप कम से कम आपकी प्रायोरिटी हो, कानून व्यवस्था की प्रायोरिटी हो। ये जो खाली अखबार के आंकड़े आते हैं, 1000 लोगों में अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने, वो खाली आंकड़े हैं। हकीकत में क्या है उनके नमूने आपके सामने, हकीकत में जो हो रहा है वो आपके सामने। हर जिले से कौन कोई खबर आएगी मीडिया के अंदर, हर रोज कौन कोई जिले की घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं खबर आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों को गंभीरता लेना चाहिए, मुख्यमंत्री खुद को मॉनिटरिंग करना चाहिए। गहलोत साहब, ये जो बहरोड कोटपुतली वाला मामला है, जो लड़की के ऊपर हमला हुआ है,
इस लड़की का परिवार जो है वो नवंबर 2023 में जब आपकी सरकार राजस्थान में थी तब पुलिस के पास गई थी सुरक्षा की मांग करने, पर पुलिस ने तब सुरक्षा नहीं दी, ऐसा परिवार का आरोप है। तो क्या आप कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं है, वो तो चुनाव का कैंपेन चल रहा था, मान लो कोड ऑफ लागू था, सब लोग चुनाव कैंपेन लगे होंगे, उस वक्त में भी कमी रही है, सभी सलाह मिले, सरकार किसी की भी हो तो क्या हो गया। अगर मान लीजिए कोई लापरवाही हुई है, किसी भी वक्त में हुई हो, लापरवाही लापरवाही है, लापरवाही का संबंध कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार से नहीं है, सजा मिलनी चाहिए, मेरा मानना है।